everyone, welcome back to SIS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SIS Classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is circulatory system. This is a chapter number 6. Yes, this is a chapter number 6. In this video we will learn about the blood vessels, kyunki isse pehle ki video mein hum log jo hai discuss kar chuke the कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किस किन चीज़ों से मिलके बना होता है. तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम लोगों ने देखा था कि हमारा सिस्टम किससे मिलके बना होता है, ब्लड से, ब्लड वेसल से एंड हार्ट से, जिसमें हम लोगों ने ब्लड जो है एज अ कंपोजिशन उसका सब कुछ डिस्कस कर दिया था. आज हम लोग की बारी है ब्लड वेसल्स को पढ़ने की. तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम को स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेट अस स्टार्ट. सो हाँ, ब्लड वेसल्स क्या होती है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, अभी मैं एक आप लोगों को पॉइंट था, रिमेंबर इट, आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट कि बी साइड द ब्लड देयर इज़ अनदर फ्लूड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इज़ कॉल्ड कॉर्ड. ठीक है, ब्लड के बगल में एक ऐसा भी फ्लूड होता है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जिसका मेनली नाम है लिम्फ. ये आपको लर्न कर लेना है. इसका नाम क्या है भाई? लिम्फ है. इट इज़ लाइट येलो फ्लूड. ये थोड़ा सा लाइट येलो कलर का होता है और इसमें लिम्फोसाइट सेल से मिलके बना होता है ये फ्लूड. ये जो है आपको अगेंस्ट द इन्फेक्शन जो है ये हेल्प करता है, मतलब लड़ने की. जैसा हम लोगों ने देखा था वाइट ब्लड कार्पसल्स हमारी काम कर रही थी, वैसे ही ये लिम्फोसाइट सेल्स भी काम करती हैं. लिम्फ्स को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भी कहते हैं, क्योंकि ये ईजिली फ्लो करता है और ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम टिशू टू हार्ट, टिशू से हार्ट की तरफ. इट रिटर्न प्रोटीन्स एंड फ्रूट फ्रॉम सर्कुलेशन टू टिशू. इट ऑल्सो कैरी डाइजेस्टेड फैट. ये क्या करता है भाई, ये वापस लाता है प्रोटीन को एंड फ्रूट को सर्कुलेशन के दौरान टिश्यू में से, एंड फिर उसको कैरी करवाता है, डाइजेस्टेड फैट को भी ये कैरी करवाता है. ये आप लोग को रिमेंबर कर लेना है कि लिम्फ भी जो है एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है. अभी आप लोग को इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है. फिर है हमारा ब्लड वेसल्स. चलो ब्लड वेसल्स की बात करते हैं बेटा. तो ब्लड जो है वो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में. हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन बींग्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं या जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज टाइप होता है. यानी कि हमारे अंदर एक वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके ज़रिए हमारा ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है. कल मैंने आपको बता दी थी ये बात. ठीक है, सो अब हमें देखना है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द आर्टरीज. आर्टरीज आर वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज क्या करती हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारा हार्ट क्या करती हैं, जो हमारा ब्लड जो है वो कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट. यानी कि हार्ट से जो है वो ब्लड को ले जाती हैं, है ना. हार्ट से वो क्या करेंगी, ब्लड को ले जाएंगी. हार्ट से ब्लड को ले जाएंगी बॉडी के कोने 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 तक. कैसे, मैं आपको समझाती हूँ. मान लो सपोज़ कर लो ये जो है हार्ट है, सपोज़ कर लो ये हार्ट है. ठीक है, ये हमारा हार्ट का शेप है. हार्ट सपोज़ कर लो सिर्फ. ठीक है, सो यहाँ से जो है ये हमारी आर्टरीज निकलती हैं. क्या निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं. इनकी जो वॉल होती है ना बेटा, आर्टरीज की बहुत थिक होती है. आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है. अब ये क्यों थिक होती है मैं इसका रीज़न बताऊंगी. पहले ये बता देती हूँ कि यहाँ से जो ब्लड जाता है, ठीक है, आर्टरीज से जो ब्लड होकर जाएगा वो हमारा बॉडी के कोने कोने तक जाएगा. मतलब और भी सेल जो ऑर्गन्स हैं, जैसे जहाँ भी ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, जहाँ भी ज़रूरत होगी न्यूट्रिशन की, वहाँ वहाँ तक हमारा ब्लड जो है फ्लो करके जाएगा ड्यू टू द आर्टरीज. तो आर्टरीज से ब्लड जो जा रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिच यानी कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, है ना. अब आर्टरीज़ की वॉल थिक क्यों होती हैं भाई, आर्टरीज़ की वॉल इसलिए थिक होती हैं क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, आर्टरीज़ जो होती हैं मेनली हमारी, इसकी वॉल थिक इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ से जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है बहुत प्रेशर से फ़्लो कर रहा होता है, बहुत प्रेशर से फ़्लो कर रहा होता है. जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने किस में आपको बताया था भाई, डैम्स के बारे में मैंने आपको बताया था किसी एक वीडियो में कि उसकी दीवारें थिक होती हैं क्योंकि वहाँ से, हाँ हमने फिज़िक्स में पढ़ा था, है ना, फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ा था. तो उसकी दीवार भी ठीक बनाई जाती है ताकि पानी का बहाव जो है उस दीवार को गिरा ना सके. बिल्कुल वैसे ही हमारा जो है यहाँ से जो हार्ट से जो हमारा ब्लड फ्लो होकर के जा रहा है आर्टरीज़ के ज़रिए, उसकी दीवार ठीक इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उसका प्रेशर पे हमारा जो आर्टरीज है वो उसको डैमेज ना हो. ठीक है, यानी कि आर्टरीज से ब्लड जो है बहुत तेज़ी से फ्लो होकर के जाता है इस वजह से, है ना. इतनी बात समझ में आ गई आपको.
चलो अब देखो कि ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, ठीक है। जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर, कौन सी आर्टरीज को छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर बाकी सारी आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, एक्सेप्शन किसके केस में है, पल्मोनरी आर्टरीज के केस में। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो प्योर ब्लड को कैरी नहीं करती, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। इतना बात समझ में आ गई। चलो अब तीसरा पॉइंट है कि दे आर इलास्टिक विथ नैरो ल्यूमन। ये जो हमारी आर्टरीज की वॉल होती हैं वो इलास्टिक, थोड़ी सी जैसे देखा है आप लोगों ने रबड़ जैसा इलास्टिक होता है, वैली इलास्टिक होती हैं और पतला सा ल्यूमन होता है उसमें। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्रांच होती हैं स्मॉल आर्टरीज में, जिसको हम लोग आर्टरियोल्स, एंड इंड जो होती है इसकी कैपिलरीज होती है, ठीक है। आर्टरीज की भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, मतलब ये आर्टरीज हैं तो ये ब्रांच हो जाती हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरियोल्स। क्या बोलेंगे उसको, आर्टरियोल्स बोलेंगे। और इसका एंड पॉइंट जो होता है वो होता है कैपिलरीज। क्या होता है, कैपिलरीज, याद रखना बेटा। फिर है हमारा फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है, आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड एंड देयर ल्यूमन इज़ विदाउट वॉल्व। आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत अंदर होती हैं स्किन के, बहुत अंदर होती हैं, है ना, क्योंकि भाई ये हमारे हार्ट से डायरेक्ट ब्लड को फ्लो कराती हैं, तो जो है ये बहुत अंदर होती है स्किन के, ये आपको दिखाई नहीं देंगी, है ना। सो इनमें जो है वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता है, कह रहा है कि विदाउट वॉल्व होती हैं, बिना वॉल्व के होती हैं। ब्लड जो होता है आर्टरीज में वो फ्लो करता है अंडर द प्रेशर एंड विद जर्क, ठीक है, जो प्रेशर बहुत प्रेशर के साथ आता है। इसीलिए मैंने बताया ना कि आर्टरीज की जो वॉल होती है वो क्या होती है, बहुत थिक होती है, ठीक है। चलो आर्टरीज के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया, कहीं पे कोई डाउट नहीं। चलो अब आते हैं विंग्स पे। विंग्स में हमारी क्या होती हैं, विंग्स जो होती हैं वो ब्रिंग करती हैं, यानी लाती हैं या कैरी करती हैं ब्लड बैक टू द हार्ट। अब भाई देखो, अब हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारे हार्ट से आर्टरीज जो है ब्लड के कौन, ब्लड को, मतलब ब्लड के साथ न्यूट्रिशन को और जो है जो भी मटेरियल हमारे ज़रूरी है, प्रोटीन्स वगैरह सबको जो है वो क्या कर रही, वो सारा पहुंचा दी कोने कोने तक, कोने कोने तक, कोने तक पहुंचा दी। अब हमारा जो है, जो ब्लड, जो हमारा जो है ऑर्गेन्स हैं वो क्या कर लिए, इस ऑक्सीजन का यूज़ कर लिए, इस ऑक्सीजन का यूज़ कर लिए। तो अब जो हमारी क्या हो गई, अब जो ऑक्सीजन का यूज़ कर लिए तो हमारी जो प्योर जो है, जो प्योर ऑक्सीजन थी वो तो ख़त्म हो गई, उसमें अब क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब उसको फिर से जो है वेंस लाती हैं वापस, फिर से वेंस जो है वो वापस लाती हैं कहाँ, आर्टरीज में, सॉरी हार्ट में। फिर से ये जो वेंस होती हैं, ये वेंस है मान लो, ये जो आर्टरीज क्या कर रही थी, प्योर ब्लड को लेके जा रही थी, और वेंस जो है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रही हैं। क्या कर रही हैं, इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रही हैं, वापस कहाँ ला रही हैं, हार्ट में, कि भाई लो तुम्हारा ऑक्सीजन यूज़ हो गया, अब इसका फिर से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर वेंस हमारी लेके आ गई उसको कहाँ, हार्ट में फिर से दोबारा ले आई, समझ रहे हो। चलो फिर से देखो, वेंस ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। अब हार्ट से, हार्ट में जो है जो विंस होती हैं वो फिर से हमारे ब्लड को वापस ले आती हैं, एंड ऑल विंस एक्सेप्ट पल्मोनरी विंस कैरी इम्प्योर ब्लड, ठीक है, विंस कैरी इम्प्योर ब्लड। सारी विंस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है पल्मोनरी विंस। पल्मोनरी विंस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी विंस सिर्फ प्योर ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी जो हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और ले आती हैं कहाँ, हमारे हार्ट में। इतनी बात याद रखना। इसमें क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और विंस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पल्मोनरी विंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। आगे बात समझ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा बेटा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो दीज आर लेस इलास्टिक विद वाइडर ल्यूमन। ये थोड़ी कम इलास्टिक होती हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू हमारा आर्टरीज। आर्टरीज के कंपैरिजन में जो वीन्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है, और ये क्या होती है, थोड़ी चौड़ी होती हैं, इनमें ल्यूमन बहुत थोड़ा चौड़ा होता है। अभी आप लोग डिफ्रेंसेस में इसके देखोगे। स्मॉल वीन्स जो होती है उसको हम लोग वेन्यूल्स बोलते हैं, विच आर फॉर्म फ्रॉम कैपिलरीज। जो किससे बना होता है, कैपिलरीज से बना होता है, एंड जॉइंट होता है फॉर्म वीन्स, और जॉइंट होकर क्या बना लेती हैं, वीन्स बना लेती हैं। वेंस जो होती हैं वो सुपरफिशियली सिचुएटेड होती हैं एंड कैन बी सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन। वेंस को हम लोग जो है मेनली अपने सरफेस पे देख सकते हैं, अपने स्किन के सरफेस पे ही आपको दिखाई दे रही है ना, वो क्या है, वो वेंस है। वेंस जो होती हैं इनको हम लोग देख सकते हैं अपने स्किन पे, सरफेस पे। वेंस जो होती हैं पॉकेट शेप होती हैं, वॉल टू प्रिवेंट बैक टू फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करती हैं, हैव पॉकेट, इनके पास एक पॉकेट शेप वॉल्व होता है जो उस ब्लड को वापस, यानी कि बैक फ्लो करने से रोकता है। तो ब्लड जो फ्लो करता है स्मूथली थ्रू द विंस, इसी वजह से जो ब्लड है वो स्मूथली, यानी कि बहुत अच्छे से फ्लो कर पाता है विंस के ज़रिए। अब बात करते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज की बात करते हैं। तो चलो बेटा, कैपिलरीज जो होती हैं वो फाइन वेसल्स होती हैं, फाइन वेसल्स। जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ।
कहाँ गया वो पेज भाई, लो पेज ही गायब हो गया, कहाँ चला गया। चलो ऐसे ही बताती हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है कि कैपरीज जो होती हैं वो फाइन वेसल्स होती हैं विच कैन नॉट द आर्टरीज एंड विंस, जो कनेक्ट होती हैं, विच कनेक्ट द आर्टरीज एंड विंस। जो एक कैपरीज होती हैं बहुत फाइन वेसल्स होती हैं, बहुत पतला पतला स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतला पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जो है आर्टरीज और विंस से जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर देखो डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये हमारी आर्टरीज है, ये हमारी विंस है। अब आर्टरीज और विंस कनेक्ट है किससे, कैपिलरीज से। ये कैपिलरीज कितना पतला 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 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यही है स्मॉल आर्टरीज। और यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं स्मॉल आर्टरी हैं उनको हम लोग आर्टेरियल बोलेंगे, और जो स्मॉल विन है उनको बोलेंगे वेन्यूल, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलो अब यहाँ पे कह रहा है कि आर्टरीज जो होती हैं वो ब्रांच टू फॉर्म आर्टरियोल्स, आर्टरीज जो ब्रांच होकर बनाती हैं उसको बोलते हैं आर्टरियोल्स, एंड आर्टरियोल्स फर्दर ब्रांच होकर के क्या बना लेते हैं, फॉर्म कर जाते हैं कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज जो होती हैं री यूनिट एंड फॉर्म द वेन्यूल्स। यहाँ पर वेन्यूल्स भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, वेन्यूल्स बनाते हैं वो लोग, है ना, एंड वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म अ वेन, यानी कि वेन्यूल्स जो हैं बहुत सारे वेन्यूल्स मिलकर के क्या बना लेते हैं, वेन बना लेते हैं। द वॉल ऑफ कैपिलरीज इज फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ इंडोथीलियल सेल्स, जो वॉल होती है कैपिलरीज की, जो वॉल होती है ना उसको, वो जो है सिंगल लेयर बनी होती है, सिंगल लेयर से बनी होती है, जिसको हम लोग एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं, विच लाई इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द बॉडी टिश्यू, जो क्या करती है हमारी बॉडी टिश्यू से क्लोजली अटैच होती है, लाई करती है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारी कैपिलरीज का क्या काम है, कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, यूनिक रोल क्या है। हमने आर्टरीज और विंस का फंक्शन तो देख लिया, आर्टरीज क्या कर रही थी, हमारे हार्ट में से ब्लड को ले जा रही थी और पूरे कोने कोने तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है पहुंचा रही थी, एक्सेप्ट क्या था, पल्मोनरी आर्टरीज। हम लोगों ने विंस में देख लिया विंस का क्या काम था भाई, अब उस ऑक्सीजन का यूज़ हो गया तो विंस जो है फिर से वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले आई हमारे हार्ट में, कि भाई इसका इससे सारी ऑक्सीजन यूज़ हो गई, है ना, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, पल्मोनरी विंस को छोड़ करके। अब कैपिलरीज की बात हमने पढ़ ली कि फाइन स्ट्रक्चर होता है जो आर्टरीज और वेन को जोड़े रखता है, ये बात पढ़ ली। अब इसका यूनिक रोल देख लेते हैं, क्या रोल है भाई इसका। तो पहली बात देखो, एज अ ब्लड फ्लो अलॉन्ग द कैपिलरीज द ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस डिफ्यूज आउट द सराउंडिंग सेल्स। अब भाई ब्लड के जो फ्लो हो रहा है हमारा कैपिलरीज से, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जो उसमें घुले रहते हैं, है ना, जैसे वेस्ट मटेरियल भी होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसमें, है ना, जो उस ब्लड को क्या कर देती है, डीऑक्सीजनेट कर देती है। सो इस वे में कैपिलरीज जो होती है हमारे टिश्यू को हेल्दी स्टेट में कैसे रखेगी, तो पहले चीज़ कि ल्यूकोसाइट स्क्वीज आउट द थिन कैपिलरी वॉल एंड कम लाई द टिश्यू विच नोन एज लिम्फ। जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, है ना, उसमें ल्यूकोसाइट जो होती है स्क्वीज आउट होती हैं, मतलब एक थिन कैपिलरी वॉल बनाती हैं जहाँ से जो है टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, इस दिखाई देता है हमें, उसको बोलते हैं लिम्फ। एंड ये कैपिलरीज जो होती हैं वो एक्सट्रीमली न्यूमरस, मतलब बहुत पतली पतली होती हैं और नंबर में ज़्यादा होती हैं, एवरी ऑर्गन कंटेंट लगभग 1000 ऑफ देम ये होती हैं। अब यहाँ पर देखो इंटर रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है डिफरेंट ब्लड वेसल्स, यहाँ पर वॉल्व ओपन है वॉल्व क्लोज है। वॉल्व ओपन कब होगी, जब हमारी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा तो हमारी वॉल्व जो है खुल जाएंगी, दरवाज़ा खुल जाएगा। और क्लोज कब होगा, जब हमारी बॉडी में क्या हो रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर कर रहा होगा हार्ट में, तो समय हमारा क्या होगा, ये वॉल्व जो होंगी वो हमारी आर्टरीज के रास्ते को बंद कर देंगी ताकि आर्टरीज तक वो इम्प्योर ब्लड ना पहुँचे, ठीक है। अब वॉल्व इनसाइड विंस, विंस के अंदर जो हमारी वॉल्व होती है उसका काम क्या है, देखो ब्लड इन विंस इज़ द मच लोअर प्रेशर देन आर्टरीज। जो ब्लड विंस से फ्लो करता है उसका प्रेशर काफ़ी लो होता है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। वन वे वॉल्व इनसाइड द विन प्रिवेंट वर्म बैकवर्ड, यानी कि जो विंस से निकलती हैं, जो हमारा गंदा खून निकल रहा है, जैसे कि मैं बोलूँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा वो वापस आ रहा है, तो उसको वो लोग रोकती हैं, उस वीन में जो वॉल प्रेजेंट है वो रोकती हैं उसको आर्टरीज में जाने से, क्योंकि आर्टरीज में तो प्योर ब्लड है, है ना। द फोर्स ऑफ हार्ट बीट कीप ब्लड फ्लोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट टू द आर्टरीज, सो देयर नो नीड फॉर वॉल्व इनसाइड देम। आर्टरीज में जो है ब्लड जो है बहुत तेज़ से फ्लो करता है, इसलिए इसमें कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन वीन्स में वॉल प्रेजेंट होती हैं ताकि वो आर्टरीज में जा ना पाए गंदा ब्लड, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है भाई आर्टरीज और विंस में, आर्टरीज और विंस में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो आर्टरीज की वॉल क्या है, ठीक है, आउटर वॉल है, मैंने पहले ही बता दिया था। विंस में क्या है, थिन वॉल है, आउटर वॉल, और इसका जो ल्यूमन होगा वो जो होगा वो पतला होगा, किसका, आर्टरीज का, जबकि विंस का जो ल्यूमन होगा डायमीटर में वो ज़्यादा चौड़ा होगा। आर्टरीज जो होगी वो उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी विंस के कंपेरिजन में, विंस में कम इलास्टिसिटी होगी। आर्टरीज कैरी करेगी ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन एंड टिश्यूज, एंड ये जो है विंस क्या है, ब्लड को वापस लेके आएगी, है ना,
और फिर ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करेगा जो भी आर्टरीज के जरिए फ्लो करेगा। वेंस में जो है ब्लड बहुत लो प्रेशर से फ्लो करेगा। आर्टरीज में पल्स होती हैं बिकॉज वेसल्स वॉल एक्सपेंड एंड लैक्स ब्लड सपोर्ट द हार्ट। वेंस में जो होती हैं कोई पल्स सेंस नहीं होती हैं, फ्लो स्मूथली लो प्रेशर से क्योंकि वहाँ पे काम कर रहा होता है हमारा ब्लड। हैव थिक वॉल टू विद स्टैंड प्रेशर ऑफ ब्लड, यहाँ पर वॉल थिक होती है ताकि हमारा जो ब्लड जो वो कर रहा है प्रेशर से उससे कोई इफेक्ट ना पड़े हमारे हार्ट को। वेंस में जो होता है वो वॉल पतली होती हैं, है ना, पतली होती हैं ताकि कमी खून जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ पाए अंदर। अब ये देखो आर्टरीज जो है वो इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हैं, लाइक आप लोग पढ़ सकते हो, ये तो पॉइंट पढ़ लेना कि दे आर डीपली सीटेड। आर्टरीज जो है बहुत अंदर होती हैं, हमें दिखाई नहीं देंगी। वेंस जो होती हैं वो हमारी सुपरफिशियल होती हैं एंड जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे आपको क्या दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रहा है वो हमारी वेंस है, ठीक है। तो चलो भाई इतना हो गया, अब फंक्शन ऑफ ब्लड को देख लेते हैं एक बार। ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। सभी को पता है कि ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका बहुत सारा फंक्शन होता है। पहली बात कि ब्लड जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स, मतलब कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे लंग्स से एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में उसको पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है हमारे सेल से। ब्लड कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन से और ऑल पार्ट ऑफ बॉडी के। ब्लड कंटेन WBC, ब्लड में एक WBC होती है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करवाती हैं। ब्लड कैरी करता है हॉर्मोन्स को एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी से इसको ये क्या करता है, लेता है और फिर हमारी बॉडी के फंक्शन को करवाता है। नेक्स्ट है हमारा, ब्लड कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया एंड लीवर टू किडनी एक्सक्रीशन इन फ्रॉम आउट्स को यूरिन। उसको कहाँ जाता है, ले जाता है लीवर में और किडनी में, जहाँ पर हम लोग किडनी को बोलते हैं छन्ना, जहाँ पर क्या होता है हमारा प्योर हमारे जो ब्लड होता है वो छनता है, यानी गंदा खून छन जाता है ना। फिर है हमारा ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ब्लड जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है कि ब्लड कंटेन करता है प्लेटलेट्स विच फॉर्म अ क्लॉट अराउंड वाउंड दस प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस, ठीक है। ब्लड में क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं जो क्या होती हैं चोट चपेट लगने के बाद तुरंत हमारे उस ब्लड लॉस को लॉस से बचाती हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेटलेट्स जो होता है उसका काम होता है हमारे ब्लड को क्लॉट कर देना यानी कि जब जमा देना, तो इससे क्या होता है हमारा ब्लड इंजरी होने पर चोट चपेट लगने पर बहुत कम से कम निकलता है। इतनी बात समझ में आ गई, आज हम लोगों ने ब्लड वेसल्स सब कुछ पढ़ लिया, फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्ट को पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you. Keep watching.